ये फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक ख़ास मकसद से किया गया है, ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए एक सिंबल है एक तरह का। देखिए ऐसा है, मांगते इसलिए क्योंकि इनको कोई काम पर रखता नहीं है। ये बहुत ही एक अंडर प्रिविलेज्ड और एक तरह से इनविजिबल कम्युनिटी है हमारे देश में। इनको अगर काम, सेल्फ रिलायंस जो है, अगर इनको उनको मिले, इनको काम मिले, तो भगवान ने इनको भी उतना ही दिमाग दिया है जितना मतलब आपको और मुझे दिया है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। पर एक तरह का टैबू है हमारे समाज में, इनको लेकर एक धारणाएं बनी हुई हैं जो मिटानी होंगी। एक पहला स्टेप है, एक मुहिम है ये फूड ट्रक के थ्रू। ये फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक ख़ास मकसद से किया गया है, ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए एक सिंबल है एक तरह का। छोटा सा कदम है, हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे आएं, मेरी तरह जो ओपिनियन लीडर्स हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उनके समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वो आगे आएँ और इनको हेल्प करें। और वही नहीं बल्कि आम जनता भी जो इनका फूड कंज्यूम करेगी और उनको भी बढ़ चढ़ कर इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो फूड ट्रक है इसको करने के पीछे सोच क्या रखी आपने कि इनको थोड़ा, क्योंकि ये समाज में यही माना जाता है कि मांगते हैं, अपना काम नहीं करते। देखिए ऐसा है, मांगते इसलिए क्योंकि इनको कोई काम पर रखता नहीं है। ये बहुत ही एक अंडर प्रिविलेज्ड और एक तरह से इनविजिबल कम्युनिटी है हमारे देश में। तो इनको अगर काम, सेल्फ रिलायंस जो है, अगर इनको उनको मिले, इनको काम मिले, तो भगवान ने इनको भी उतना ही दिमाग दिया है जितना मतलब आपको और मुझे दिया है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। पर एक तरह का टैबू है हमारे समाज में, इनको लेकर एक धारणाएं बनी हुई हैं जो मिटानी होंगी। एक पहला स्टेप है, एक मुहिम है ये फूड ट्रक के थ्रू, कि जब ये सेल्फ रिलायंट होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो शायद इनका एक समाज में एक जगह बने। आपकी फिल्म आई थी शुभ मंगल और चंडीगढ़ जी, तो उसको फिल्म को दिमाग में रखते हुए जैसे फिल्में आई, तो इसको किस तरह आपने सीख मिला है और आपने इसको? देखिए मैं कलाकार हूँ और फिल्मों के ज़रिए मैं या तो उस मैसेज देता हूँ लोगों को, यहाँ तक कि खुद भी सीखता हूँ। अभी तक मैं सीख रहा हूँ LGBTQIA+ का के बारे में, उनके बारे में जानता हूँ और भी जानने की कोशिश करता हूँ। हम सबको सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि फिल्मों के ज़रिए एक मैसेज तो पहुँचता है, तो रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ में भी अगर मैं कुछ कर पाऊँ, वही मैं कर रहा हूँ अभी, और एक छोटा सा कदम है।